वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। हट कोरोना हट, आपने गो कोरोना तो सुना होगा, लेकिन जलगांव के लोग शायद हट कोरोना हट यही कहना चाहते हैं। जलगांव में जब आप सड़कों पर चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि कोरोना वायरस है ही नहीं, यह जलगांव के रास्ते हैं। इन्हें देखकर आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से जलगांव में भीड़ भाड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। कई लोग यहां पर ऐसे देखे जा सकते हैं जिन्हें मास्क लगाया ही नहीं है। नियम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक ही आदमी चल सकता है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि इन नियमों की भी धड़ल्ले से धुलाई हो रही है। और क्या ना हो, ये जलगांवकर हैं। यहां पर लगातार रोजाना कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब जल्द ही 20,000 के पार हो ही जाएगा। यहां पर कई ऐसे लोग भी देखने के लिए मिलेंगे जो मास्क को मुंह और नाक की बजाय गले में लगाए दिखेंगे। कई लोग तो मास्क लगाते ही नहीं हैं। शायद वे चाहते हैं कि उनका चेहरा सभी लोग देखें और उनका चेहरा देखकर शायद कोरोना ही भाग जाए। शहर के मार्केट्स में भी नियम के मुताबिक कुछ भी नहीं है। नियम के मुताबिक सिर्फ छोटी सी रस्सी बांधी गई है जिससे कोरोना को बेवकूफ बनाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की फिर खुलकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। जब लोग खुद ही समझना नहीं चाहते तो फिर उन्हें समझाने वाला कौन है? जब हमें ही कोरोना वायरस से डर नहीं लगता है तो शायद कोरोना को हमसे डर लगने लगेगा। जलगांव के इस माहौल को देखकर तो यही लगता है कि यहां कोरोना वायरस से जलगांव के लोगों को डर नहीं लगता, बल्कि जलगांव के लोगों से कोरोना वायरस को डर लगता होगा। अगर यही हालात रहे तो जलगांव का आंकड़ा 20,000 से 50,000 के पार हो जाए तो कुछ नया नहीं होगा। इसलिए परिस्थिति को समझिए और कोरोना से डरिए, नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।